अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। तो चलिए प्यारे प्यारे इस्मी भाइयों और बहनों, हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। अल्लाह के महबूब, दाना गयूब, मुनज़्ज़ा अनिल अयूब, नबी रहमत, शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक और प्यारी हदीस है। यह हदीस मुबारक है जामिया तिर्मिज़ी शरीफ में, हदीस नंबर 2434। रिवायत करते हैं हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फरमाते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों में भी अब एक बीमारी आई है जो पिछले कौमों में बीमारी थी। तुम लोगों में भी पिछले कौमों की एक बीमारी आई है, वो बीमारी है हसद और नफरत। फरमाते कि यह है, ये डिस्ट्रॉयर है, ये शेवर है। शेवर जो ना, शेव जो करती है, मतलब तो ये खत्म करने वाली है। और फिर फरमाए कि मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बाल शेव करती है, बल्कि ये तुम्हारा ईमान शेव करती है, ये ईमान डिस्ट्रॉय करती है, ईमान खत्म करती है। कौन? हसद और नफरत। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनसे इंसान का ईमान खत्म हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब लोगों को इन मुहलिक बीमारियों से आज़ाद फरमाए, इनसे हमें नजात अता फरमाए। अल्लाह ताला इनसे हमें महफूज फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साये में उठाए। आमीन या रब्बल आलमीन, बिजाह नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। हम ये नाक़िस के कवायद पढ़ रहे हैं, इनके हमने गर्दाने कल करी थी कुछ, और इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आज नाक़िस की आखिरी क्लास होगी। आज हम नाकिस इंशाल्लाह ताला खत्म करने वाले हैं। आज हम और एक दो गर्दनें करेंगे, बाकी जो गर्दनें इसमें बचेंगी वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो हमने इसमें फेले माजी की दो गर्दनें करी थी, और उसके बाद हमने मुदारे की भी कल गर्दन कर ली थी। आज इंशाल्लाह ताला हम मुदारे की, फेले मुजारे की मुसबत मजहूल की गर्दन करेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं, दुआ या दुआ से हेले मुजारे मुस्बत की गर्दान, मुस्बत मारूफ की गर्दान। सॉरी, मारूफ नहीं, मजहूल करिए। मजबूर है। हाँ जी, मजहूल करिए। मारूफ ने कल पढ़ ली थी, तो हम मजहूल पढ़ेंगे आज इंशाल्लाह। मुस्बत मजहूल की कथा, दैट मीन्स ये असर्टिव पैसिव सेंटेंस है, असर्टिव पैसिव सेंटेंस। तो चलिए पहला सीगा क्या बनेगा, बनाए आप लोग प्लीज अनम्यूट करें, जहां पॉसिबल है वहां अनम्यूट करें और बनाए पहला सीगा। आपको पहले पता होना चाहिए कि जो भी हमने फेले मुजारी के बारे में ये पढ़ा था कि फेले मुजारी हमेशा एक ही वजन को फॉलो करता है। इफला बोलेगी किस वजन को फॉलो करता है फेले मुजारी मजहूल में? फेले सर मुजारी मजहूल से युफ एक ही वजन को फॉलो कर। युफ जी, आलू युफ युफालू। आलू हाँ, और जो मारूफ है, मारूफ किस में कौन कौन सा वजन होता है? फेले मुजारे मारूफ। जी हाँ, इफला, फेले मुजारे मारूफ का कौन कौन सा वजन होता है? फिर वो डिफरेंट बाब से आ सकता जैसे नसर नहीं, यंसुरु आप नहीं, आप बंद रखें, आप बंद रखें, आपके बैकग्राउंड में कोई शोर आ रहा है। मैं वजन की बात कर रहा हूँ। हम मुंतहा ने अनम्यूट किया। जी मुंतहा बोले। उसमें होता है शायद यफालू यफइलू और यफकुलू। हाँ एग्जैक्टली, माशाल्लाह। यफ़अलु, यफ़इलु और यफ़अलु होता है मुजारे मस्बत के औज़ान, ये तीन है। और जो मजहूल होता है वो हमेशा होता है यफ़अलु के वजन पर, हमेशा यफ़अलु के वजन पर मजहूल होता है। तो चलिए अब हम दआ यदउ से पहला सीगा बनाएंगे मजहूल में। तो क्या बनेगा, कौन
कोशिश करें। देखिए एक्चुअली था ये यदउ, एक्चुअली था ये दावा यदउ है ना। जब हम मारूफ की अगर हम बात कर लेंगे, ये था एक्चुअली दावा यदउ, नसर अंसर को फॉलो करता है। तो यदउ से अगर हम मजहूल बनाएंगे तो क्या बनेगा, युद अव, देख ले ये बनेगा युद अव, ये बनेगा युद अव। अब हमने एक रूल पढ़ लिया है, अब हमने एक ताजिल का एक रूल पढ़ लिया है। कि कैसा रूल पढ़ लिया है हमने, हमने ये पढ़ा था कि अगर फोर्थ प्लेस पे, अगर फोर्थ प्लेस या उससे आगे वाली प्लेस पे कहीं वाव हमें मिला, ये फोर्थ प्लेस है, फोर्थ प्लेस पे अगर हमें कहीं वाव मिला और वाव को प्रिसीड ना तो दम्मा कर रहा है और ना ही साकिन कर रहा है, इन दो में से इसको कोई प्रिसीड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स या तो फतह होगा या तो कसरा होगा, इससे पहले कसरा या फतह होगा, बस दम्मा और साकिन को एक्सक्लूड करेंगे। अच्छा जी, अब क्या होगा, अगर ऐसा कहीं हुआ तो हम इस वाव को या में कन्वर्ट कर देंगे। ये रूल पढ़ा था हमने मदीना, ये रूल हमने पढ़ा था, आना तो बोलें जी जी। सर, पढ़ा था। जी अब प्लीज आप लोग अनम्यूट करके रहें, जो जो अनम्यूट कर सकते हैं वो अनम्यूटेड रहे प्लीज। आई लाइक व्हेन द क्लास इज इंटरेक्टिव, मुझे अच्छा लगता है आप लोग अनम्यूट करें। तो युद्ध आओ, देखें युद्ध आओ है पहला। अब क्या है वो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्लेस पे है वाव, यह है ना, फोर्थ प्लेस पे है वाव, फोर्थ प्लेस, एंड इट इज नॉट प्रिसीडेड बाय दम्मा और साकिन, ना ही पहले दम्मा है ना ही पहले साकिन है, तब हम इस वाव को कन्वर्ट कर सकते हैं या में, इस वाव को हम कन्वर्ट करेंगे या में। देखिए तो क्या बनेगा, युद्ध आयु, यू बना युद्ध आयु। अब क्या होगा जी, अब युद्ध आयु बन गया, अब होगा क्या आगे, अब देख पा रहे होंगे आप या मुतहरिक मा कबल मफ्तू आ रहा है, या मुतहरिक हमने पढ़ा है ना, या मुतहरिक या वा मुतहरिक, मा कबल मफ्तू अलिफ से बदल जाता है, वेदर इट इज या मुतहरिक और इट इज वा मुतहरिक, इफ इट इज प्रिसीडेड बाय मफ्तू इट शेल बी रिप्लेस्ड बाय अलिफ, ये हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे या मुतहरिक है, या मुतहरिक को हम, इस या मुतहरिक को हम अलिफ से बदल देंगे, या मुतहरिक को हम डायरेक्टली अलिफ में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या बनेगा युदआ, युदआ। बस ये जो यहाँ पे अभी मैंने या लिखा, इट इज जस्ट सपोर्टिंग, इट इज जस्ट सपोर्टिंग, जस्ट लाइक ए क्रीपर, जब ये क्रीप करता है ना, एक क्लाइंबर जो छोटा सा पौधा होता है, व्हेन इट क्लाइंब्स, तो इसको क्लाइंब करने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे एक बूढ़ा आदमी चल नहीं पाता, उसको एक छड़ी की जरूरत होती है ना, उसको एक स्टिक की, स्टिक के सपोर्ट की जरूरत होती है, यूं समझ लीजिए। बस यहाँ पे जो या है इट इज जस्ट सपोर्टिंग, और कुछ भी नहीं, इसको हम अगर इस तरह से लिख लेते ना युदआ, इसको अगर हम कुछ इस तरह से लिख लेते युदआ, बोलेंगे सर ऐसा क्यों नहीं लिखा आपने, अलिफ कर दीजिए, हम इस तरह से भी लिख सकते थे इसको, लेकिन ये इसकी शेप फिर रिटेन नहीं होती। आगे आप इंशाल्लाह ताला ये समझ जाएंगे हम इस तरह से क्यों इसको नहीं लिखते, इसका भी एक रीजन है शेप रिटेंशन का, वो हम इंशाल्लाह आगे देख लेंगे, इसलिए हम युदआ को ऐसे नहीं लिखते। बट अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बेशक गलत तो नहीं होगा, लेकिन लिखते नहीं, उसका एक रीजन है, वो इंशाल्लाह ताला हम आगे पढ़ लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे युदा ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे आयन के ऊपर ये छोटा सा अलिफ है, ये अलिफ कहाँ से आ गया, ये या से जो या मुतहरिक मा कबल मफ्तू था उससे बदल के युदा बन गया था, तो यदउ से हमने युदा बनाया युदा। तर्जुमा क्या होगा इसका, बुलाया जाता है या बुलाया जाएगा वो, है ना, बुलाया जाता है या फिर बुलाया जाएगा, बुलाया जाएगा वो एक मर्द, इस तरह से हम इसको कर लेंगे पहले से ये। चलिए जी, अब आपको एक आइडिया मिल चुका होगा हम कैसे करेंगे आगे, बताया मुझे दूसरा सीगा क्या बनेगा जल्दी। हाँ जी बेसिक बताएं, बेसिक रूल क्या है, दूसरा सीगा क्या बनेगा बेसिकली, युद्ध आवाज़ एग्जैक्टली माशाल्लाह, ये बनेगा युद्ध अवान, युद्ध अवान है ना। अब क्या होगा जी इसमें, अगेन वॉ इज एट फोर्थ प्लेस, अगेन वॉ इज एट फोर्थ प्लेस, सो वी शेल रिप्लेस दिस वॉ या, हम इस वॉ को या से रिप्लेस कर देंगे, बस क्या बनाएंगे युद्ध अयान,
युद्ध यानी अमिस वाव को या से प्लेस करके युद्ध आयानी कर देंगे, युद्ध आयानी कर देंगे। अब मान लीजिए अब आप बोलेंगे जी अभी फिर से है या मुतहरिक मा कबल मकतू, इसको क्यों नहीं कन्वर्ट करोगे, करो इसको कन्वर्ट अलिफ में तो फिर बना युद्ध आयानी। आप खुद देखें जब या मुतहरिक को हम कन्वर्ट करेंगे अलिफ में फिर बनेगा युद्ध आने, है ना, युद्ध आने, तो फिर हमें अलिफ को ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर युद्ध आने बनेगा, युद्ध आने बनेगा, तो युद्ध आने में फिर उसकी ये डिफरेंट ही शेप बन रही है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम युद्ध आयानी को ऐसे रख देते हैं, ये युद्ध आयानी ही बनेगा, ये युद्ध आयानी ही बन जाएगा, युद्ध आयानी ऐसे ही रह गए, युद्ध आयानी। इसके बाद तीसरा क्या बनेगा, तीसरा युद्ध, युदावुना हाँ जी माशाल्लाह, युद्ध अवुना। अब क्या होगा इसमें, युद्ध अवुना में क्या होगा, इसमें वाव मदमूम है, उसके बाद वावे जमा है, तो वाव की हरकत ड्रॉप होगी, उसके बाद इज्तिमाई साकनैन की वजह से वो वाव ड्रॉप होगा, तो फिर युदावना। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब अभी हम वाओ की हरकत को ड्रॉप करके बनाएंगे युद्ध इस तरह से कुछ, है ना, इस तरह से कुछ। अब इज्तिमाई साकिनन हो गए, आप पहले वाओ को ड्रॉप करके, इज्तिमाई साकिनन हो गया, सो वाओ को ड्रॉप करेंगे, वाओ साकिन को ड्रॉप करके हम बनाएंगे युद्ध आउना, ऐसा ही, ऐसा ही होगा ना। अब बनाइए युद्ध जी आउना जी, माशाल्लाह, युद्ध आउना। बुलाए जाते हैं या बुलाए जाएंगे वो सब मर्द, इस तरह से। अब इसके बाद क्या बनेगा नेक्स्ट का, तो दाओ हाँ तुदाऊ। अब सेम उसमें युदाऊ की तरह होगा, तुदाऊ और जुदाऊ में फर्क क्या है, अलामत मुजारे का फर्क है, बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी जो रूल तो वही इसमें भी फॉलो होना है जो पहले युदाऊ में हुआ, वही अब सेम तुदाऊ में हो जाएगा, बस या की जगह ता है और कुछ भी नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ भी वाव फोर्थ प्लेस पे है। अब इस वाव को हम कन्वर्ट करेंगे या में, तो बनाएंगे तुदाऊ, इसको बनाएंगे हम तुदाऊ, और फिर अगेन जो या है या मदमूम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे अलिफ में, इसको हम रिप्लेस करेंगे अलिफ से, तो ये बनेगा तुदा, सेम वही चीज तुदा। अब जहां भी रिपीटेशन होगी रूल्स की, मैं बस वो अब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको खुद समझ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, तुदावानी, बिल्कुल सही, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं तुदावान से क्या बनेगा, तुदायानी, चलिए पहले होगा तुदायानी फिर फाइनली बनेगा, हाँ बस यही रहेगा, तुदायान ही रहेगा इसमें, तुदायान यहाँ, तुदा यहाँ आएगा, तुदायान तुदायान। अब नेक्स्ट क्या बनेगा, युदावना बोले मुझे युद्धावन में क्या होगा, अब जी कुछ भी नहीं होगा जी, वाव फोर्थ प्लेस पे है, बस वाव को कन्वर्ट करेंगे यहां से और कुछ नहीं करेंगे। है ना, वाव फोर्थ प्लेस है, वाव फोर्थ प्लेस पे है, और वाव से पहले ना तो दम्मा है ना तो साकिन है, उससे पहले तो मफ्तूहा है, तो हम क्या करेंगे वाव को कन्वर्ट करेंगे या में, बस, तो क्या बनेगा युद आईना, क्या करेंगे युद आईना, यू बनाएंगे युद आईना, युद आईना। नेक्स्ट क्या बनेगा अपना, तुदाओ, फिर से वही तुदा। हाँ फिर से वही तुदाऊ है, फिर से वही तुदाऊ है। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, अब फिर से यहां तुदा बन जाएगा। ये कैसे बना, इसमें कौन कौन से बीच में स्टेप्स हो जाएंगे वो आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैं फाइनली लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ पे तुदा अपना बन जाएगा। उसके बाद तुदावानी हाँ उसके बाद था तुदा अवानी, उसे तुदा आयानी बनाएंगे हम, वो कैसे होगा वो हमने देख लिया, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब,
अब यहाँ पे तुद आयानी हो जाएगा, वही ऊपर वाले रूल्स वही फॉलो हो रहे हैं, तुद आयानी बन जाएगा। समझ तो आ रहा है ना सबको? समझ आ रहा है सबको? कोई है ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा? चलिए, खामोशी बता रही सबको समझ आ रहा। हमारे यहाँ हमारी क्लास वाहिद ऐसी क्लास है जहां खामोशियां बातें करती हैं, क्योंकि हमने कसम खाई है बात करनी नहीं मुंह से। चले जी, तुद आवानी से बना तुद आयानी, उसके बाद क्या होगा? تدعونا क्या बनेगा? تدعونا हाँ, तुदाउना। उससे क्या होगा? तुदाउना से इससे क्या बनेगा? अब क्या हो गया? हाँ, इसमें वही सेम होगा और इसकी वाव की हरकत ड्रॉप होगी। एग्जैक्टली, वाव की हरकत ड्रॉप होगी, फिर क्या करेंगे? उसके बाद इज्तिमाई साकनैन की वजह से वाव भी ड्रॉप हो हाँ, जाएगी। माशाल्लाह, वाव की हरकत ड्रॉप क्यों होगी? क्योंकि उसके बाद वावे जमा है ना। वाव के बाद देखिए क्या है, ये कुछ यूं है, ये है वाव मदमुमा फॉलोड बाय वावे जमा, इसके पास कुछ यूं है। अब होना क्या है, अब हम जो ये वाव मदमूम है इसको कन्वर्ट करेंगे वाव साकिन में, यानी हरकत को ड्रॉप कर लेंगे। सिंपली ड्रॉप दम्मा, जो दम्मा है वाव पे उसको हम ड्रॉप कर लेंगे, इस चीज को ड्रॉप कर लेंगे, तो क्या बनेगा? तुद आओ, और फिर से है वाव साकिन ना। अब इज्तिमाई साकिनन हो रहा है, इज्तिमाई साकिनन होने की वजह से क्या होगा? ड्रॉप करेंगे हम वाव साकिन को, ड्रॉप करेंगे हम कौन से वाव साकिन को ड्रॉप करेंगे, पहले या दूसरे को? पहले वाली को जो हमने बनाया एग्जैक्टली, जो हमने बनाया उसी को ड्रॉप करेंगे, जो वहां नेचुरली था ना, हमें उसे कोई ड्रॉप करने की हमारे पास कोई इजाजत नहीं। इसलिए तो आप यहां से भी सीखिए कि नेचुरली जो चीज, जो ऑकरिंग चीजें होती है ना, हमें उनके साथ कुछ भी नहीं छेड़ना चाहिए। जो भी डिस्टर्बेंस हम अपने एनवायरमेंट में क्रिएट करते हैं ना, हमें उसी डिस्टर्बेंस को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक आप एक नेचुरल हैबिटेट में हैं, ना वहाँ पोल्यूशन है, ना ही वहाँ कुछ कोई भी गलत काम नहीं होता होगा, जो कुछ भी होता है वो ऑलवेज इट इज बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस। हमें अपनी एक्शन सुधारनी चाहिए। हमने अपनी एक्शन करके यहाँ वाव साकिन बना दिया, वहां ऑलरेडी एक वाव साकिन था, अब हमें एक वाव साकिन को ड्रॉप करना है। कौन से वाले को करेंगे? जो नेचुरली ऑकरिंग था उससे हम बिल्कुल भी कुछ नहीं छेड़ेंगे, जो हमने वाव साकिन अपनी इजीनेस के लिए बनाया था हम उसी को ड्रॉप कर देंगे। तो क्या बनाएंगे? तुदउना बोल रहे होंगे सर, क्या बता रहे हो, अरबी पढ़ा रहे हो, यहां से क्या कहां कहां से जा रहे हो? असल में इंसान कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेना, तो आप ये कैसा भी सब्जेक्ट हो, तो हमेशा हर एक बात में इंसान के लिए नसीहत होती है, हर एक एंगल से नसीहत मिलती रहती है। बस नसीहत सुनने वाले कान और नसीहत समझने वाला दिमाग होना चाहिए। तो तुदउना बनेगा, तर्जुमा क्या होगा तुदाउना का? बुलाए जाओगे तुम सब मर्द। बुलाए जाते हो या फिर बुलाए जाओगे तुम सब मर्द। नेक्स्ट क्या बनेगा? सर इसमें और वो था जमा मुजक्कर गायब वाला सीखा, इसमें वो वाला रूल तो नहीं अप्लाई होगा जहां पे हम फोर्थ प्लेस पे वो आपको कन्वर्ट करेंगे या हमें? कौन सा वाला? इस केस में जी जो फोर्थ प्लेस वाला रूल है उसी के कंडीशंस है। कि वाव से पहले मदमोम और वाव साकिन न हो। ठीक है, देखिए मान लीजिए अगर हम कर भी लेते हैं, ओके लेट्स से, पहले बताएं आप, हम ये सब कर क्यों रहे, हम ये सब कर क्यों रहे?
इजी हो प्रोनाउंस करना. बस इजी प्रोनाउंसिएशन के लिए हम कर रहे हैं। ओके लेट्स से हम कर लेते हैं, चलिए कर ही लेते हैं। क्या करेंगे हम, ये बनेगा फिर फाइनली तुद आयोना, ये बनेगा ना। नहीं तो आई ना बनेगा. तुम बनेगा तुद आयोना, वाव को कन्वर्ट करेंगे या मैं, बाकी है ना उसके बाद है ना ये वाव साकिन अपना ही। वो नहीं रिप्लेस करना है यहाँ से वाव साकिन को. जो वाव चौथे प्लेस पे है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्लेस पे वाव है, उसको कन्वर्ट किया मैंने या मैं, समझ आ रही। सो लास्ट पे जो इज्तिमाई साकिनीन के बाद बन गया ना ये तुद आउना, उसके बाद इस पर आएगा ना भी और एक रोल भी, क्योंकि अभी वाव से पहले मफतूहा है, मदमूम नहीं है, साकिन नहीं, वाव साकिन नहीं है, अच्छा तो अच्छा तुद आउना आप यहां से बोल रहे हैं, यहां पे इस प्लेस लास्ट पे. जी सो इस जगह पे। अच्छा आप लोग इस जगह की बात कर रहे हैं, जी लेकिन देखिए बात यहाँ क्या, यहाँ मुझे मुझे बोलिए जो वाव है ना इसमें, ये वाव कौन सा वाव है, ये बाब जमा है. वावे जमा है। अगर हम यहाँ पे या कर देंगे, क्या हम इसमें जमा की रिटेन, जमा की फॉर्म रिटेन होगी, नहीं नहीं होगी। तो हमें जमा वाला सेगा रिटेन करने के लिए, जमा की शेप रिटेन करने के लिए वाव, इस वावे जमा को हम चेंज नहीं कर सकते। जी, और जहां ऊपर वाला हम तभी चेंज करते हैं क्योंकि मबनी है शायद, इसमें नहीं है ये बाब जमा युद्ध कौन से आउना वाले में. केस में, कौन से वाले केस में, देखिए ऊपर जो युद्ध आउना ऊपर आउना ऊपर लिखा हमने, देखिए देखिए देखिए, युद्ध आउ, युद्ध आवान, युद्ध आगुना, युद्ध आगुना में है दूसरा वावे जमा, वो है एग्जैक्टली वहीं पर युद्ध आउना, उसमें है वो रिटेन्ड। उसके बाद जी. आया तुद आउ, तुद आवान, युद्ध आउना, युद्ध आउना में क्या था, ये मबनी वाला सीगा होता है, युद्ध आउना और जी तुद आउना ये मबनी वाले सीगे हैं, तो इनमें एराब की कोई बात ही नहीं, ठीक, इसलिए इसमें चेंज कर दिया हमें। इसमें ये यहाँ पे जो वाव था ये जमा को डिनोट नहीं कर रहा है, जी युद्धावना में जी जो वाव है वो जमा को डिनोट नहीं कर रहा है, इसलिए हमने उसको वहां चेंज कर दिया। गेटिंग मी, तो यस सर. जहां भी आप देख लीजिए, जहां देखिए तस्निया की अलामत होती है अल्फ, तस्निया की अलामत होती है, हम तस्निया में कोई भी बिगाड़ ला सकते हैं, लेकिन हम इस अल्फ को ड्रॉप नहीं कर सकते कभी। युद्ध आयान है वहीं पे, उसमें अल्फ है, जहां पे वाव वावे जमा होगा, आप कुछ भी करें उस वावे जमा को आप खा नहीं सकते, उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उस वाव को ड्रॉप कर देंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा भाई आप वाहिद के बारे में बात कर रहे हैं, तस्नीह के बारे में कि जमा के बारे में, वहां जमा की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जी सर. हम यहाँ पे वो नहीं कर रहे। अच्छा यहाँ पे चलिए आप लोगों ने ये पूछा, तो अब यहाँ पे मैं ये भी बात कर देता हूँ। सपोज ये पहला है, पहले है वाव, पहले है वाव, यही हम पहले या में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सपोज लेट्स से फोर्थ प्लेस पे वाव आया, वाव मुतहरिक, उससे पहले मफतूहा है, उससे पहले मफतूहा है, इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये कन्वर्ट हमने, अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा इस केस में, तुद आयुना बन गया, अब वा या मुतहरिक मा कबल मफतूह आ गया, अब फिर से या कन्वर्ट होगा अलिफ में, ये या कन्वर्ट होगा अलिफ में, क्या बनेगा, ये आओ ना, अब इज्तिमाई साकिनैन की वजह से अलिफ को ड्रॉप कर लेंगे, इज्तिमाई साकिनैन की वजह से अलिफ को ऑमिट कर लेंगे, अलिफ को ड्रॉप कर लेंगे, तो क्या बनेगा, तुद आउना, फिर वही बना जो हमने ऊपर वाले रूल से बनाया था, फिर वही चीज बना, समझ आ रहा है, जी सर. वही चीज बनी फिर से। अब अगर आप कहेंगे चलो जी ये जो चौथे वाव पे आपने ये रूल अप्लाई किया, पांचवें वाव पे ये रूल अप्लाई कर लो, पांचवी वावे हीरो, तो मैं कहता हूं भाई वो वावे जमा है, वो वावे जमा है, तो उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो हम उस रोल नहीं में लिखें कि वो वावे जमा नहीं होने चाहिए अगर फोर्थ प्लेस या उससे ज्यादा. वावे जमा के लिए आप सिंपली एक बात याद रखिए, वावे जमा को आप उसके साथ आप खेल ही नहीं सकते, कैसा भी रूल हो वावे जमा को आप ड्रॉप नहीं करेंगे कभी, वो कैसा भी रूल हो कुछ भी हो, ये अलग से पले बात है।
अलिफ तस्निया के लिए अलिफ हो या जमा के लिए वाव हो, इनके साथ हम बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है अच्छा जी, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या जी सर, जी? इसके बाद क्या है ये बता? तुदावीना एग्जैक्टली, माशाल्लाह, तुदअवीना। इसके बाद आएगा तुदअवीना। अब मुझे बोले इसमें क्या करेंगे? हाँ, तुदअवीना में क्या करेंगे? इजी है, बहुत इजी है, एक बेसिक रूल हो रहा है। सर। हम वाव की जो ये है हरकत, वो आयन पे शिफ्ट करेंगे ट्रांसफर। क्यों, ऐसा क्यों? रूल क्या है? रूल है कोई ऐसा? कोई भी रूल जो आप फॉलो, देखिए देखिए पहले बात सुन ले, जो भी आप रूल अप्लाई कर रहे ना, लिसन टू मी, जो भी आप रूल अप्लाई कर रहे ना, पहले उस रूल की जो कंडीशंस है वो सारी की सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं। किसी से है ऐसा रूल हमने पढ़ा ना। ओके, क्या है रूल बोले? अगर वाव के बाद मुखातबा वाला या हो, वाव मकसूर के बाद तो वो हम जो वाव मकसूर है ये आयन, सॉरी आयन लेकिन का उस, नहीं। हाँ, उसके लिए कंडीशन है कि वावे जो ये है ना, क्या बोलते हैं, या मुखातबा, उससे पहले मदमूम होना चाहिए ना। मकसूर अगर लाम कलमे में वाव मकसूर होगा, लेकिन उसका मा कबल मदमूम होना जरूरी है ना, कंडीशन है ना उसके साथ, उसका प्रिसीडिंग मदमूम होना चाहिए। जो हमने तदवीना प्रसिद्ध में किया, तदवीना में वो फॉलो होगा क्योंकि वाव से पहले मदमूम, तो यहाँ पे वो मत, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, इसलिए वो रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, सिंपल से सिंपल वाला रूल, सबसे बेसिक रूल कौन सा है? वाव मुतहरिक मा कबल मकसूर। करे आप, दिख रहा है कुछ? वाव मुतहरिक है, प्रिसीडेड बाय मफ्तूह, सिंपली अलिफ से बदल जाएगा, जी वाव को अलिफ में कन्वर्ट कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो क्या बनेगा ये? तुद आयना, कुछ यूं इज्तिमाई साकिनन हो रहा है, ड्रॉप करेंगे। बस अलिफ ड्रॉप कर लेंगे, हो गया अपना काम। अलिफ ड्रॉप करके क्या होगा? ड्रॉप अलिफ, तुद आयना। यही चीज किसी दूसरे रूल से भी बन सकती है क्या? अगर वाव को हम या में कन्वर्ट करेंगे, पहले जो वाव हो प्लेस पे हाँ वही, उसको हम या में बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे तो तुद अगीना बनेगा। उसके बाद या को फिर से इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे अलिफ में, उसके बाद अलिफ हाँ ड्रॉप होगा। होगा, इज्तिमाई साकिनन की वजह से, माशाल्लाह। देखिए अब आप लोग समझ चुके हैं ये सब, अब आपको तालीलत आती है, माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। तुद आवीना से बना क्या? तुद आईना, यू लिखेंगे हम, तुद आईना, इस तरह से बना। नेक्स्ट क्या बनेगा? तुदावानी बस उससे वही चीज बनेगी जो पहले ऊपर बनाई हमने, तुद आया ने, डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, तुद आया ने, ये बनेगा फाइनली तुद आया ने। मुंता, आपको कब मिलते हैं टाइम अरबी के लिए, अरबी रिवाइज करने के लिए? सर, मैं रात को करती हूँ, कभी कभी सुबह। आप सुबह कितने बजे आपको जाना पड़ता है? सर सुबह तो मुझे 9 बजे जाना पड़ता है, मैं फजर के बाद करती हूँ या तो फिर मैं रात को करती हूँ सोने से पहले। माशाल्लाह, ठीक है, सब लोग सुन ले, डॉक्टर्स का बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है ना, तो कभी कभार नाइट ड्यूटी भी होती होगी आपकी, नहीं होती? सर अभी फाइनल ईयर है, अभी नाइट ड्यूटी नहीं होती है। अच्छा, अभी नहीं होती है, चलिए माशाल्लाह। तुद आवान से बना तुद आया ने। एक्चुअली बात यह है ना कि जब आप में इंटरेस्ट हो फिर रास्ते निकल ही देते, निकल ही जाते। एक फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल मगर,
लोग आते गए, कारवां बनता गया। बस आपका काम होता है सिर्फ रास्ते पे आना, आप रास्ते पे आ जाए ना, आपके साथ लोग आएंगे आपको असिस्ट करने के लिए, आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुल ही जाएंगे। अगर आप में इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते, खुद आवाने से बना खुद आयाने। अब जल्दी करेंगे, लास्ट 2-3 सीखे हैं, नेक्स्ट क्या बनेगा? जी तो आउला तुद आउना तुद आओ ना, इससे क्या होगा? अब तो आइना एग्जैक्टली तुद आई ना बनेगा, तुद आई ना बनेगा, और तुद आई ना बनेगा। अब फाइनली दो हैं, क्या बनेगा? उद आऊ से बनेगा, पहले बनेगा उद आयु, उद आयु बना। अब या मुतहरिक मा कबल मक्तू अलिफ से बदल जाएगा तो बनेगा उद आ, क्या बनेगा? उद आ। इस तरह से नुद आऊ बुलाए जाते हैं या बुलाए जाएंगे हम सब, तो बनेगा नुद आयु, फाइनली बनेगा नुद आ, नुद आ। से समझ आया सबको मदीना? ये समझ आया सबको? जी सर। जी, लेकिन हम जब भी हमें गर्दाने करते थे तो मैं एक दो गर्दाने कराता था, फिर बाकी सब आप लोग खुद करते थे। इस बार मैंने इतनी गर्दाने खुद करी, बस रीजन ये था कि इसमें ये रूल्स इनकी प्रैक्टिस हो जाए, आपको समझ आ जाए कि हम कौन सा रूल कैसे अप्लाई करेंगे। इस हिसाब से तो अब मुझे लगता है कि अब हमें और इसके साथ टाइम नहीं गुजारना चाहिए, अब आप लोग खुद कर लेंगे और मुझे सेंड करेंगे। फेले मुजारे मुअक्कद बिलाम ताकिद, मुअक्कद बिलाम मुअक्कद बिलाम में ताकिद, और नूने ताकिद नूने सकीला, यानी कि आप ताकिद वाले गर्दान गर्दाने बनाएंगे, फेले अमर के गर्दाने बनाएंगे आप इसी से, और फेले नहीं के गर्दाने बनाएंगे आप इसी से। ठीक है, आप ये सब बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक सीखेंगे। अभी हमने ये नाकिस, अजवफ, लफीफ, मिसाल वगैरह इन सबके कायदे पढ़ लिए, एक बार आप ना इनके कवायद को देख लीजिएगा। अभी मैं सोचता हूँ या तो मैं मुरक्कबात उठाऊंगा इसके बाद, या फिर मैं इसके बाद जो है मजीद फीके अबवाब सिखाऊंगा आपको, कैसे अबवाब उनके बनते हैं। उनके अबवाब बहुत डिफरेंट होते हैं, उनके अबवाब ऐसे नहीं होते सिंपली फतह यफ्तह नसर यंसुर, उनमें थोड़ा सा उनकी बहुत डिफरेंस होती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं देख लूंगा क्या हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आप एक गर्दनें खुद बना लीजिएगा सारी, मुझे सेंड भी कीजिएगा, तो जहां कोई दिक्कत होगी इंशाल्लाह ताला मैं वहां समझाऊंगा। और बाकी आप लोग इनके कवायद एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा इनके कवायद को, तमाम जो भी हमने पढ़े ना। तो आपने देखा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो कवायद है ना, वो हमारी गर्दनों में यूज हो रही है। अगर सब कुछ आप भूल जाएंगे, कम से कम ये कवायद नहीं भूलनी चाहिए। जो रूल्स आपने इन गर्दन बनाने में यूज की ना, या कोई भी गर्दन हो, अजवफ की हो, नाकिस की हो, लफीफ की हो, मिसाल की हो, जहां भी जो रूल गर्दन बनाने में यूज हुआ, कम से कम वो नहीं भूलिएगा, वो हर जगह इस्तेमाल होगा। कुरान में रूल्स बार बार इस्तेमाल होते हैं। आगे क्या होगा ना, जब आप एक अरबिक एक पैराग्राफ देखेंगे, जब आप कुरान पाक खोलेंगे, एक आप एक ऐसी रैंडमली कोई भी चैप्टर खोलेंगे, आपको वहां एक वर्ड दिखेगा, आप नहीं समझ पाएंगे भाई इसकी क्या मीनिंग है। अगर वही मीनिंग वही वर्ड आप डिक्शनरी में ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तुदआ, डिक्शनरी में अगर आप सोचेंगे ना तुदआ कहाँ होगा, डिक्शनरी में तुदआ मिलेगा ही नहीं, आप मिलेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहां मिलेगा दवा दावा यदउ, बस बुलाना, यूं तर्जुमा लिखा होगा दावा यदउ से मिला होगा बुलाना। आपको फिर रूल सब आने चाहिए, फिर आप इससे तुद आ भी बना पाएंगे, तुद आयानी भी बना पाएंगे, तुद आयना बना पाएंगे, तुद आवना बना पाएंगे, युद आ बना पाएंगे। ये फिर आपकी इस पे महारत होनी चाहिए, या फिर आप इस पे यू मस्ट बी गुड एट इट, आपको इनके साथ खेलना चाहे खेलना आना चाहिए, शुड बी गुड एट पन, पन मीन्स टू प्ले विद लैंग्वेज। तो अगर आपको ये अच्छी तरह से आता है तो फिर आप कर पाएंगे। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, अल्लाह ताला करे कि हम सब लोगों के लिए सब आसान हो जाए। अल्लाह ताला आप सब लोगों को दोनों जहानों में कामयाब फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।